वर्ल्ड कप के खुमार में क्या हर आतंकी हमला भूल गए हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आगे हो रहा है डांस, दीवाने हुए जा रहे हैं लोग। जय शाह तो देशभक्त हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भारत की जर्सी पहनकर पाकिस्तान का झंडा लेकर घूम रहा है तो कोई लगा रहा भोग। बीसीसीआई की एक ऐसी पॉलिसी है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए करवाया जा रहा डांस और भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री सुनी। वर्ल्ड कप के खुमार में क्या बीसीसीआई देश के जवानों की शहादत भूल गया है? क्या वो भूल गया है कि ये देश क्रिकेटर्स की वजह से सुरक्षित नहीं बल्कि उन जवानों की वजह से है जो सीमा पर खड़े होकर देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक सेकंड भी देरी नहीं करते। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान की टीम जब अहमदाबाद पहुंची तो लड़कियों ने नाचते हुए उनका स्वागत किया। इस पर जनता बीसीसीआई से पूछ रही है कि मेजबानी का धर्म ठीक है, आप निभाइए, लेकिन ये बताइए कि क्या अपने देश की लड़कियों को उनके सामने नचवाना सही था? ये तो ऐसा कोई फैसला नहीं है जिससे रोका नहीं जा सकता। जबकि भारतीय टीम भी उसी मैदान पर मैच खेलने पहुंची, उसके स्वागत में कोई डांस नहीं हुआ, फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए डांस क्यों करवाया गया? फिलिस्तीन का समर्थन करने पर लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है तो पाकिस्तान का समर्थन करने पर क्यों नहीं? हैदराबाद में पाकिस्तान के लिए कितनी नारेबाजी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। जिस पाकिस्तानी रिजवान के लिए नारेबाजी हो रही थी, अगले ही दिन उसने हमास का समर्थन कर दिया, आतंक को अपना गुरु मान लिया। लेकिन हमारे देश के लोग अभी भी मेहमान नवाजी में लगे हैं, हम कितनी बार धोखा खाएंगे? ये पहले प्यार प्यार की बात करते हैं और आखिर धोखा देते हैं। कारगिल भी ऐसे ही हुआ था, पुलवामा को कितने दिन हुए हैं, आप मुंबई भूल सकते हैं क्या? पठानकोट क्या आपको याद नहीं रहा? बीसीसीआई के सचिव जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह तो देशभक्त पार्टी के नेता हैं, हमें उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं, लेकिन आप ही बता दीजिए ये तस्वीर आपको जस्टिफाई लग रही है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिससे बचा नहीं जा सकता था या आईसीसी इस पर कुछ कह सकता था? भारत और पाकिस्तान के बीच में 14 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में मैच होना है। नरेंद्र मोदी के नाम पर बना ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। उद्धव गुट की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, पाकिस्तानी टीम का हर तरह का स्वागत भाव हमारे बहादुर शहीदों और आतंकी पीड़ितों की मौत पर नाचने जैसा है, बेशर्म बीसीसीआई। इस पर चक्रपाणि महाराज ने भी बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान खिलाड़ियों के स्वागत में जिस तरह से बीसीसीआई ने हमारी भारतीय बहनों से जो नृत्य करवाया है और फूलमाला के साथ गुब्बारों की बरसात कराई गई है, ये निश्चित रूप से सीमा पर शहीद हुए हमारे सेना के जवानों का अपमान है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? पाकिस्तानी टीम का गर्मजोशी से स्वागत करने के अलावा बीसीसीआई एक लाइट शो और मशहूर बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह का लाइव परफॉर्मेंस भी आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट के पहले मैच के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान लाइट शो और परफॉर्मेंस होगी। बीसीसीआई का गजब हाल है, ओपनिंग मैच में ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, अब हो रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए डांस करवाया जा रहा है, अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं। फिर जनता सवाल पूछेगी तो लोग कहेंगे हम वसुदेव कुटुंबकम अपना रही हैं।